नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो Vivo T2 Pro 5G मोबाइल में ये फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन आता है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो इस तरीके से दिख रहा है इसको आप चेंज कर सकते हो। और भी कई तरीके यहाँ पर जो आपको मिलते हैं, तो कैसे आपको चेंज करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट। आपको डायनेमिक इफेक्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, तो इनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले को सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इस पर हम अप्लाई करेंगे, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सेट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन भी यहाँ पर मिलते हैं, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आपका फिंगरप्रिंट जो है एनिमेशन करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद बैक जाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फिंगरप्रिंट कैसे शो हो रहा है। तो देखिए ये फिंगरप्रिंट शो हो रहा है, और जैसे हम इसको करते हैं तो देखिए इस तरीके से जो है एनिमेशन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से गाइस आप फिंगरप्रिंट जो है इसका फिंगरप्रिंट का एनिमेशन को चेंज कर सकते हो।